ही जाना सची कौन है, ऊपर डालो गोला नीचे तेल निकालो। हाँ तो आज आप कह रहे हैं आज आप नारियल को तेल निकाला, मैंने कहा भैया नारियल को तेल नहीं निकला नहीं निकला, आप निकाल रहे बतावा कैसा निकाल रहे बतावा, एकदम कच्चू कच्चो मतलब अपना गोला, आप गोला ने पहली क्रश कर दिया एकदम बुरा दो पाउडर बनाई दो गोला को, अच्छा आपको तेल निकाला बुरा दो इलिए बनाए हो चटका रहे हो जो फूटे को गाढ़ा के अंदर इलिए पहली आपको पहली बुरा दो कर दियो क्रेशर में, क्रेशर में किसान ग्राइंड कर दियो, ये देख हरी की क्वांटिटी ले मैं ना 20-22 की लगाई चाहो कि 20-22 किले की क्वांटिटी में ऐसा ना कभी तेल बत्तो निकला गोला कमी तो वाकई शाबू डाल दें, बाकी तो 10-10 किले की गाड़ी हो गए थोड़ा छत छत दाब लगा दें तो डाल दो, पर हाँ एक बात और है अपने नारियल की गाड़ी का मीन है पानी नियम ना लगे, पानी डालो तो तेल खराब हो जाए, पानी डले मूंगफली में तल्ली में सरसों में नारियल का मीन है नेम पॉइंट डले पानी इली ने डाला का कि वशानी नारियल और नारियल का मीन है लिक्विड मॉइस्चर रह ही रहे आपने इलिए नेम पानी में डाल लो और छाव छाव तरीके दाब लगा लो। देखो भैया कितनी देर में तेल आ जाओ, वशानी ठंडी गाड़ी है गर्म गाड़ी होती तो तकरीबन एक मिनट के अंदर तेल आ जाओ, और ठंडी गाड़ी का मीन है थोड़ा 5 मिनट लेना पड़े, चल रही है देखा हाँ तो छन करू गाड़ी आपकी लोड पर आ रही और तेल भी अवल आई और यह गाड़ी दो दिनों बंद पड़ी थी ही इन्हें कही ये ना हल्को सु पाटे पर तेल लगा देगा इमु लोड में फर्क पड़ी स्मूथ चाल गोड़ी तेल अवल आई यू यू प्योर तेल है इन्हें कहा भैया कोकोनट तेल प्योर तेल ये पीका मीने कही जा रहा सची कौन है ऊपर डालो गोड़ा नीचे तेल निकालो गोड़ा पहली फोड़ गाड़िया और अब डाल रहे आप कंप्लीट काम अब थोड़ा और बच गया चलो देखो रेडी मामलो अरे गोला होता तो उतना नहीं डलता पहली इलिए गोला में क्रश कर ली था बुरा तो बनाई तो बचा हुआ बाद में ठीक रहे फिर आयु तेल दबू चालता तकरीबन 3 मिनट हो गया 3 या 4 मिनट हो गया रागी आपने मोटी दार और लगभग 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 10 किला में 60% 70% तेल बैठे अपना गोला मीन जो आपा ले रहा हूँ तुझे क्या बात ना करा साफ करवा में कम कम भी 3 दिन तक यो तेल यूं को ही बाल्टी में पड़ी हो रही अरे कीटो सारो नीचे उतेरी अरे पचपा तेल ने दूसरी बाल्टी में लेनी आई अच्छे पैकिंग हुई पैकिंग भी नहीं करा जो खुल्लो बेचा मेरा निशान आ जाओ ग्राहक ले जाओ आ जाओ जरा ठीक है देखो तेल की स्पीड बढ़ रही है अब धीरे धीरे और ऊपर भी अब धीरे धीरे खड़बड़मा लाग गई थोड़ी थोड़ी डगली बंदमा लाग गई अगर यही गर्म गाड़ी होती तो अपने टाइम ने लाग गई और बच्चों कुछ माल जा रही है हवा हवा लगी साफ तेल एक बात और अगर आपका घोड़ा खराब हो तो तेल कालो निकली घोड़ा को अगर घोड़ा साफ हो सफेद भी तो तेल भी सफेद ही निकले अत्रो कीटो ना निकले लेकिन थोड़ा बहुत कीटो निकली लेकिन वह साफ घोड़ा होना चाहिए यानी हमारा साफ घोड़ा है तीस किलो खोबरा डल गया तेल आ रही हो आधी बाल्टी का ऊपर तेल है अपनी गाड़ी भी होगा मैं कम 15 मिनट लग गया इन 20 किला में तेल कंप्लीट हो
यो आपने खुद के बेचवा के लिए ही बनाओ आप। हाँ अगर कस्टमर के लिए छावा है गाय डंडा का छावा तो वह अलग बोला हुआ है और वाको अलग दे और देखो फल पड़ेगी टाइट होगी इन्हें उतनी टाइट करनी जितनी झेल सके यार। जब तेल निकल रही हो इतना तक तेल निकल उठा तक गाड़ी चाह ली हल्दी होगी अब ये 5 या 7 मिनट और चाह ली और वाका बचा अपन निकाल आई ना तेल भी थोड़ा डाउन हो गयो क्या होगी गल्डी खड़े अब भाई ना आपा निकाल अधिक देखो एक बार यह है क्विंटल डेढ़ क्विंटल गोला आपा हर हफ्ता में क्विंटल डेढ़ क्विंटल गोला को तेल निकाला आप भगवान की दियो बिक भी जावे कोई ले जावे कोई माता में लगानो है क्योंकि मालिश करनी है कोई इकट्ठो ले जावे कोई अगर अगर गाय बीत गई हो तो अगर बढ़िया घोड़ा को तेल निकालना हो इसलिए मैं ना बने देता कोई किलो ले जाओ कोई पावर भी ले जाओ तब भी देवा कोई पीपो ले जाओ तब भी देवा और आपने भी छारी होवे तो आप भी एक बार पधार दियो सेवा को मौको दीजियो। वीडियो तो पहली बार बनाई पर काम परसम कर रहा तो जैसी भी लगी वीडियो आप लाइक करो फॉलो करो कमेंट आपकी इच्छा हो तो करो कशान की लगी वीडियो एक बार बदल दीजिए और एक बार सेवा को मौको जरूर दीजिए।